यूपी पुलिस को कौन नहीं जानता है। यूपी पुलिस जहां कानूनी कार्रवाई करते नहीं थकती, वहीं कभी कभी अपने कारनामों से सुर्खियों में भी रहती है। और अगर पुलिस वालों के खिलाफ कुछ बोल दिया जाए तो वो कहां ही किसी को छोड़ने वाली। और हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक चैट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी और उस चैट में सेक्स रैकेट संचालिका से देव व्यापार को लेकर बातचीत की गई थी। और आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं कि टीवी 24 नेटवर्क्स इस चैट की पुष्टि नहीं करता है। जांच के बाद ही इस वायरल चैट की हकीकत सामने आ पाएगी। इस खबर के चलते यूपी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, वैसे ही उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए। वहीं कानपुर पुलिस का ये एक नया कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि जब से ये मामला सुर्खियों में आया तो समीगवा के चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार ने चकेरी थाना में पत्रकार नुरुल के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, और वो भी अपने ही थाने में। उसके बाद पत्रकार नुरुल ने भी कानपुर पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन देकर आरोप लगाया कि उनके द्वारा चलाई गई खबर में दरोगा का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, जिसके बावजूद दरोगा ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। वहीं इस मामले पर कानपुर जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि सारे तथ्यों के बाद, सारे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अजीब बात यह है कि जिस दरोगा के ऊपर आरोप लगा, उन्हीं दरोगा के ऊपर खबर करने वाले पत्रकार के ऊपर उन्होंने अपने ही थाने में FIR दर्ज करा दी। एक व्हाट्सएप पे 9 स्क्रीन चैट वायरल हो रहे थे, जिसके आधार पे मैंने न्यूज़ ग्रुप में एक ब्रेकिंग डाली थी। ब्रेकिंग में किसी भी पुलिसकर्मी का नाम नहीं था। उस चैट में क्या था? चैट में वही दरोगा जी को लड़कियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, महीने में इतने इतने रुपए में लड़की आती हैं, और दरोगा जी को महीनवारी जाती है, ये सब लिखा हुआ था। फिर उस पर भाई मैंने वायरल किया, तो उसमें उसके बाद वो ब्रेकिंग चलाने के बाद चकेरी परवारी का फ़ोन आता कि ये वायरल में जो रत्नेश जी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि ये इसमें जो प्रमोद लिखा है, प्रमोद कौन है? संगमा चौकी परवारी है क्या? मैंने कहा सर मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, प्रमोद ASO लिखा हुआ है, तो आप वायरल है तो आप उसकी जाँच कर लीजिए, जानकारी मिल जाएगी प्रमोद जी वही हैं कि नहीं है। और मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है ब्रेकिंग में। और फिर कल रात में जानकारी मिली कि चकेरी थाना में आपके इंस्पेक्टर और दरोगा जी ने मिलकर मुकदमा पंजीत कराया है, और रंगदारी की बात उसमें कही है। रंगदारी जैसे कि तो किसकी तरफ से FIR हुई है? दरोगा जी प्रमोद जी का। क्या FIR में है? FIR में यही है कि स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं और मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, उन्होंने मुझसे रंगदारी मांगी। अभी वो दरोगा तो नहीं आया कोई सामने? ना नहीं, जिसने सेक्स वर्कर है वो भी सामने नहीं आया? नहीं नहीं, देखिए हमने यहाँ पे बड़ा साफ कहा है कि ये प्रकरण में एक चैट है, हम उस चैट को एग्जामिन कर रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, एक पत्रकार ने हमें कंप्लेन दिया है कि उनके ऊपर FIR हुई है, हम उसको भी एग्जामिन कर रहे हैं। नंबर तीन, पत्रकार का रोल क्या है, हम इसको भी एग्जामिन करेंगे। नंबर चार, जिसके ऊपर ब्लेम आ रहा है चौकी प्रभारी, हम उसको भी एग्जामिन करेंगे। नंबर पांच, जो सोर्स है जहां से आ रहा है, हम उसको भी एग्जामिन करेंगे। तो विषय जो है गंभीर है, और इसके सभी पक्षों को एग्जामिन करना और करेक्टिव मेजर लेना, जिससे भविष्य में चाहे वो हमारे पुलिस के लोग हों, पत्रकार हों, या चाहे जो भी व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ हो, वो जो सही है वो प्रिवेल करे, जो गलत है वो दोबारा रिकरेंस किसी के द्वारा कभी न किया जाए, यह हम इंश्योर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।